बिहार में शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे अमिताभ ओझा। बड़ी खबर अमिताभ। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुरोध करेंगे, महागठबंधन के नेता राज्यपाल से करेंगे कि कल ही शपथ ग्रहण भी हो जाए। और एक दूसरी जो खबर आ रही है कि एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके अनुसार 2013 के अनुसार इसमें डिप्टी सीएम का जो पद रहेगा वो तेजस्वी यादव के पास रहेगा और साथ में गृह विभाग की मांग की गई है आरजेडी की तरफ से और विधानसभा अध्यक्ष भी आरजेडी का होगा। ये तमाम बातें जो है महागठबंधन की तरफ से कही गई हैं और अब कुछ ही देर में जो महागठबंधन के नेता है वो पहुंचेंगे, सीएम आवास पहुंचेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार वहां से राजभवन जाएंगे। ये एक बड़ी खबर यहां पे है और राजभवन में इसको लेके जो राजभवन सचिवालय है उनमें वहां पे अभी अधिकारियों की बैठक भी शुरू हो चुकी है, प्रधान सचिव वहां पहुंच चुके हैं और लगातार वो तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। राजेंद्र मंडप में ही यह कार्यक्रम होगा, बाहर नहीं होगा, जो अभी तक की जो तैयारियां हैं। अब देखना ये होगा जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन फिलहाल राजभवन के सूत्रों का यही कहना है कि जो भी कार्यक्रम होगा राजभवन के राजेंद्र मंडप में होगा और उसको लेके वहां पे अभी जायजा अधिकारियों की एक टीम ने वहां पे लिया है और कल ही ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो भी तब्दीलियां होंगी वो 12 तारीख के पहले आएंगी, क्योंकि बिहार में माना जाता है कि एक महीना का जो पीरियड होता है सावन के बाद वो खड़वास का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए ये पहले ही 12 तारीख के पहले होगा और कल का ही दिन होगा। भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में हो लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं उनके साथ कुछ और जो मंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण कल ही होगा। इस बात को लेके राजभवन के अंदर जो है सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस बात की भी तैयारी है, क्योंकि पहले जो 1 बजे का जो समय लिया गया था वो विमर्श के लिए लिया गया था, मैंने सुबह से बता रहे हैं कि वो पहले से समय लिया हुआ था, लेकिन अब जो 4 बजे है उस समय नीतीश कुमार के साथ कुछ और भी लोग जा सकते हैं महागठबंधन के पास के साथ जो लोग हैं वो जाएंगे और वहां राजभवन में इनकी मुलाकात राज्यपाल से होनी है। इससे पहले जो महागठबंधन के नेता हैं वो तमाम लोग वहां जो जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद वो लोग वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये सभी लोग राजभवन जाएंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अमिताभ ओझा दे रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, महागठबंधन के नेता जो है वो राज्यपाल से अनुरोध करेंगे, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार।